आइए इस ड्राइंग सेशन को शुरू करने से पहले एक गाना सुनते हैं। बहुत ही प्यारा गाना है, अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। वो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया हम लोग ड्रॉ करते हैं बनाने को, बनाना बनाएंगे हम लोग। तो बनाना का ड्राइंग शुरू करते हैं पहले। ये रहा, इस तरह से बनाने को ड्रॉ करेंगे। चलिए बनाना का हो गया। इसके साथ हमको ड्रॉ करना है ऑरेंज। ऑरेंज को हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक ऑरेंज है,
ये हमारा ड्राइंग पूरा हो गया। अब हम लोग इसमें करेंगे, इसका अगला स्टेप होगा शेडिंग का। तो हम शेडिंग की शुरुआत करते हैं। शेडिंग के लिए हमें चाहिए एक पेंसिल। वैसे तो इसका अलग अलग पेंसिल का भी यूज होता है, प्रयोग करते हैं हम लोग, लेकिन हम शुरुआत करने के लिए और सीखने के लिए एक पेंसिल से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शेडिंग करते हैं। शेडिंग में क्या है कि हमको देखना है किधर से लाइट है, किधर से शेड है। तो लाइट का साइड इस साइड से है, इस साइड से लाइट आ रहा है, तो शेड इस साइड, इसके पीछे उल्टे विपरीत साइड में भागेगा। तो हम उस भाग को शेड करेंगे, यानी पेंसिल के माध्यम से वहाँ पे हम टून देंगे। जैसे पहले हम लोग निर्धारित कर लेते हैं कि कितना दूर तक हमारा शेडो और कहाँ कहाँ शेडिंग जाएगा, सो इसको निर्धारित करते हैं। ड्राइंग को डिटेल कर लेंगे हम। और यहाँ लाइट साइड में है, तो यहाँ पे एकदम हल्का टोन जरूरी है। वैसे हम देते देते प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कहाँ पे कितना वैल्यू हमें देना है, कितना वैल्यू ऐड करना है। इस तरह से पेंसिल को हम हल्का हल्का चलाएंगे। एक बात आपको ध्यान दिला दूं, कोई भी पेंसिल यदि छोटा भी हो जाए तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और यूज करने में बहुत खुशी भी मिलती है, क्योंकि ये हमारे मेहनत के पैसे की होती है, इसलिए हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये खाली पेन जो ख़त्म हो जाता है उसी को काटकर और छोटा पेंसिल को भी पीछे से छीलकर उसमें लगा लिए हैं, और उससे हम काम कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है। ये देखिए, ये हम एक साइड सेट कर दिए, फिर हल्का लाइट टोन, सबसे पहले हल्का टोन चलाएंगे इस तरह से, लाइट टोन चलाएंगे पूरे इतना दूर, इसको हम एकदम स्ट्रोक में निकाल रहे हैं रफली। ये आर्टिस्टिक लगेगा, ये आर्टिस्टिक चीज़ है, फिनिशिंग में नहीं कर रहे हैं, आगे फिनिशिंग के बारे में अगले चैप्टर अगले अध्याय में बताएंगे, फिनिशिंग में भी बनता है, बहुत टेक्निक्स है सब। आगे अब हम लोग शुरू कर दिए हैं तो सीखेंगे ही। आप यदि नए हैं या बिगिनर्स हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि हर नया अपडेट आपको मिलता रहे, और इस तरह से आप मेरा भी कुछ हेल्प कर दीजिएगा। उसी तरह से केले में भी हम लोग देंगे हल्का टोन, सब जगह जहाँ जहाँ ज़रूरी हो। पेंसिल को एकदम ढीली हाथों से ऐसे चलाते रहना है, पेंसिल को नचाते रहना है, ज़रूरी नहीं है। जहाँ जहाँ से आप कल्पना कीजिए कहाँ देंगे, यहाँ धसा हुआ भाग है, यहाँ एकदम, तो यहाँ पे थर्ड टोन लाइट एकदम डीप डार्क पड़ेगा,
तो वो आगे हम करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो लाइट टोन ही देते हैं, एकदम हल्का हल्का पेंसिल सब जगह चलाते रहते हैं। तो देखिए खेलना है हमें ड्राइंग के साथ, शेड और लाइट से खेल करेंगे, प्ले विथ शेडिंग। तो हमें न जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज़ का कॉपी करें, हम अपने मन से इसको शेड अपने मन से भी दे सकते हैं, और वैसे भी अपने इमेजिनेशन को ही ज़्यादा प्राश्रय देना चाहिए। आप जो सोचते हैं, आपको जैसा फीलिंग होता है, आप उसी को रूप देने का प्रयास कीजिए अपने इमेजिनेशन को, देखिए कितना आनंद आएगा। और ऐसे भी ड्राइंग जो है यह मन लगाने के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको कभी बोरिंग फील नहीं होने देगा ये। तो ये सेम दे दिए, ये फर्स्ट टोन है, देखिए जहाँ जहाँ शैडो इसका आएगा यानी कि इसके परछाई, इस केले को इधर से लाइट आएगा तो जाहिर सी बात है कि विपरीत दिशा में परछाई भागता है, तो हम लोग नीचे पर परछाई का, वैसे ज़्यादा हम लोग सीखेंगे जब भी बनाएं तो उसको रख कर, सामने रख कर, स्टील टाइप के रूप में उसको सामने रख कर ही स्टडी करें तो बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। और स्टिल लाइफ को जो 100% कर लिया, समझिए कि वो सब कुछ बना लेगा, उसका सब अच्छा से हो जाएगा और परफेक्शन आ जाएगी पूरे उसके ड्राइंग में। यहाँ तक है हम लोग, ये हमारा फर्स्ट रफली हम दे दिए, ठीक है। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, अब इसके बाद थोड़ा डार्क पेंसिल लेंगे और इसको जहाँ पे है सेकेंड, फर्स्ट टोन हमारा पूरा हुआ, सेकेंड टोन ऐड करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा डार्क यहाँ पे बाकी लग गया था। चलिए थोड़ा डार्क देंगे, जहाँ तक फर्स्ट टोन है उससे बहुत कम दूर में। यहाँ देखिए थोड़ा सा पेंसिल को, या तो डार्क पेंसिल ले लेंगे, नहीं तो उसी पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करेंगे, प्रेशर देकर, तो डार्क वैल्यू निकलेगा वहाँ से। देखिए इस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, इधर तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ देखिए अब हम लोग इसे शेडिंग करने का अनेकों टेक्निक्स है, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई बाध्यता नहीं, यही तो आर्ट है जिसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, इसी को फाइन आर्ट बोलते हैं, अपने मर्जी से इसमें किया जाता है। लेकिन ये जो कमर्शियल आर्ट होते हैं उसमें हमको कस्टमर के हिसाब से क्रिएशन करना, रचना करना पड़ता है बनाना, और लेकिन ये फाइन आर्ट है, इसमें हम अपने मर्जी का काम करते हैं, जो हम सोचते हैं जैसा चाहते हैं
वैसा बना सकते हैं। इस साइड से लाइट है, लाइट का साइड इधर है, इधर से है, तो इस इधर ये भाग उजाले में रहेगा, इस पर लाइट देंगे। हम इस तरह से पेंसिल को चलाएंगे ताकि लगे कि हाँ इधर लाइट है, इधर लाइट की कमी है। जो डायरेक्ट लाइट में पड़ेगा उस पर लाइट ज़्यादा पड़ेगा, और जैसे जैसे उसका भाग दूर होगा लाइट से उस पर लाइट की कमी होती। तो लाइट को कमी को हम दिखाते हैं, उसी को हम लोग शेडिंग और टोन के माध्यम से उसको हम लोग बनाते हैं। देखिए किसी तरह से हम पेंसिल को जैसे मन मर्जी वैसे चला रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं कि वैसे ही बनाना है, क्योंकि ये फाइन आर्ट है और हम अपना मर्जी का काम करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ये बेसिक चीज़ है, बिगिनर्स के लिए है। वैसे भी हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे, जितना रफली काम हो शुरुआत में वो अच्छा रहता है। चलिए यह हुआ, अब इसका साइड हो यहाँ भी शेडो होगा। इसके पहले हम लोग इसके शेडिंग को पूरा करते हैं, थर्ड सेकंड टोन को देखिए। और ये जो लाइट छूट रहा है ये आर्ट है, और इससे ओरिजिनलिटी वास्तविकता आती है ड्राइंग में, क्योंकि इस ज़मीन का जो लाइट है वो भी रिफ्लेक्टेड लाइट, परावर्तित प्रकाश जिसे बोलते हैं, ज़मीन से या सरफेस जहाँ पे वो रखा है उसका लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, तो वहाँ लाइट दिखाना पड़ता है और तब वास्तविक ड्राइंग लगता है। यहाँ हम लोग डार्क देंगे, दो बनाना है इसके बीच में, थोड़ा सा डार्क देने के लिए पेंसिल पर प्रेशर बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ डार्क हो जाएगा, क्योंकि दो केला है, दो केलों के बीच में हमको गैप दिखाना है, अलग अलग करना है, तो यहाँ पर शेडिंग होगा ही।
जैसे कि क्लिप का टेक्सचर जो होता है वह पे कहीं डार्क ब्लैक कलर में दिखाई पड़ता है या धब्बा रहता है, उसको भी हम दिखाएंगे ताकि ड्राइंग सही मालूम पड़े, वास्तविक केला लगे। यहाँ पे यहाँ डार्क देंगे आपको, जब भी कहीं संदेह हो या जो कुछ भी जानना हो पूछना हो आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हमने ये चैनल शुरू किया है और आगे इस चैनल को, इस ड्राइंग सीरीज़ को बेहतर बनाने के लिए आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी कमी बेसी है, जो भी हमारे ड्राइंग सिखाने के प्रक्रिया में अगर परेशानी है या ढंग अच्छा नहीं लगे तो उसको कमेंट करके बताएंगे, उस हिसाब से मैं इस चैनल को शुरू करूँगा, उस हिसाब से उसमें सुधार करूँगा और चैनल को बेहतर बनाने में आपका सहयोग हमें बहुत ज़रूरी है। आगे से ये तो ऐसे ही रैंडमली बना रहे हैं, चैनल शुरू किए, चूँकि समयाभाव के कारण अच्छा टाइम हम नहीं दे पाते, इसी कारण अब आगे से अच्छे से इसको करना है। तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे किस तरह से आपकी राय हमें ज़रूरी है, किस तरह से इसे शुरू किया जाए, कैसे किया जाए ताकि आपको अच्छा लगे।
तो ये हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब एक्स्ट्रा जो भाग है इसको हम लोग इरेज कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।